नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि ईडी हमारी पार्टी के कुछ लोगों की जांच कर रही थी, जिससे बचने के लिए कुछ दिनों पहले उन्होंने अजित पवार के साथ बीजेपी से हाथ मिला लिया। सरकार में शामिल होने के बाद वे कह रहे थे कि हम विकास के मुद्दों पर बीजेपी के साथ आए हैं, लेकिन सच तो ये है कि वे जांच का सामना नहीं करना चाहते थे। उन्हें भाजपा की ओर से कहा गया था कि अगर आप हमारे साथ आते हैं तो आपके मामले में कुछ नहीं होगा, नहीं तो आपको जेल में डाल देंगे। इस दौरान शरद पवार ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का जिक्र किया। एनसीपी चीफ ने कहा कि उन्हें भी बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला था, लेकिन देशमुख ने जेल जाना स्वीकार किया और वहां 14 महीने बिताए। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था, इसलिए अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी। उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को पार्टी के मुखपत्र में लिखा, शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार की तरह भाजपा में जाने की गलती नहीं करेंगे। अजित पवार वास्तव में एक बड़े नेता हो सकते हैं अगर वो अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ते। अजित पवार इसी तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जैसे भाजपा की मदद करते रहे तो उनकी राजनीति रेत के महल की तरह ढह जाएगी। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।